इधर भी गर्म कर स्टीम में पकता है, स्टीम में पकता है, इसमें कोई तेल से इस्तेमाल नहीं होता। चिकन भी है, बीफ भी है और वेजिटेबल भी है। और ये गरम कैसे करते हैं आप? इसके अंदर स्टीम में। अच्छा, ये चिकन पड़े अंदर। अच्छा, ये वेजिटेबल है, ये बीफ है, ये गोल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड ऑन प्लैनेट, एक और नई मज़ेदार एपिसोड के साथ। मैं हूँ मोहम्मद रज़ा। बहुत अरसे से मैं सोचा था, क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट एंड आई हैव सीन एट मैनी प्लेसेज इन गिलगित, जो कि मोमो है, जिनको डम्पलिंग्स भी कहा जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइनीज़, गालिबन चाइनीज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वहाँ की फेवरेट डिश है। तो बल्कि एक कंट्री है, आई फॉरगेट एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सी कंट्री है, मलेशिया है या इंडोनेशिया है या कोई और कंट्री है, उनकी ये नेशनल डिश है। और ये तिब्बत में भी बहुत पसंद की जाती है। तो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ गार्डन टाउन बरकत मार्केट में, जो नाम है इनका कार्ट सी है, ठेला जिसको कह सकते हैं आप, गुल मोहम्मद पॉइंट। और जो चिकन मोमोज और बीफ मोमोज इनके पास दस्तयाब होते हैं, और ये इनका ख़ुद भी ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। तो गुल मोहम्मद साहब से बात करते हैं और पूछते हैं, देखते हैं कि वो यहाँ पे कब से बैठे हैं। दिखाएंगे ज़रा आपके पास कौन कौन सी वैरायटी मोमोज की अवेलेबल है। ये देखिए जी, ये चिकन भी, चिकन भी है, बीफ भी है और वेजिटेबल भी है भाई। और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका सर? हमारा जिला गिलगित से है। गिलगित से? अच्छा, हाँ, वहाँ पे तो ये बहुत खाए जाते हैं। बहुत खाए जाते हैं गिलगित पे, तो ये आम चीज़ है ना। और किस तरह है ये चिकन, किस तरह है? चिकन फुल प्लेट 12 पीस 480 है। कितनी की? 480 12 पीस फुल। 480 की? अच्छा, हाफ 240। और बीफ 600 के, हाफ 300 के। अच्छा, टेबल 400 के 12 पीस। ठीक है, और हाफ 200। आप मुझे ऐसा करें ना कि 3 चिकन दें और 3 बीफ दें। 3 चिकन दें, 2 मिनट लग जाएंगे बीफ का। हाँ जी, बीफ तो 2 मिनट लगेंगे गर्म होने में। 2 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। और ये गर्म कैसे करते हैं आप? इसके अंदर स्टीम में। अच्छा, स्टीम होता है। और ये कौन से वेजिटेबल है? ये चिकन पड़े अंदर। अच्छा, ये वेजिटेबल है, ये बीफ है, ये गोल, ये गोल वाले बीफ है। अच्छा, ये निशानी रखी हुई है आपने। ठीक है, ये वेजिटेबल है। ठीक है, और वो चिकन है, चिकन का इलादा है। ठीक ठीक ठीक। और ये कहाँ बनाते, कहाँ पे हैं आप? हम घर में बना के, घर पे बनाते हैं। ठीक है, फिर घर में बनाते हैं। कब से बना रहे हैं आप ये, यहाँ पे कब से हैं आप? हम तकरीबन 2 साल से। 2 साल से लाहौर में हैं। लाहौर में 2 साल। तो वो मॉडल टाउन में भी आप ही का ही है? हमारा है, वो भी है। अच्छा, गार्डन टाउन में भी है। तो ये गार्डन टाउन ही तो है, राजा मार्केट में भी हमारा है। अच्छा, राजा मार्केट में। ठीक है, और एन ब्लॉक में इंटरनेशनल मार्केट, वो भी हमारा है। अच्छा, वो आप ही का ही है? ठीक ठीक। और उधर मैंने भाई छोड़ा है, इधर मेरा साला है। अच्छा, और ये आप खुद यहाँ पे बैठे हैं? इधर खुद मैं निकला। ये गोल जो है बीफ है, गोल बीफ है। ये देखिए जी, मेरी प्लेट रेडी हो रही है, ये इससे छे कर देंगे। हाँ, छे कर देंगे। कौन सा ये? ये अच्छा, ये वैसे तो फ्राई भी किए जाते जा सकते हैं ना, लोग कुछ फ्राई करके भी खाते हैं। हाँ हाँ, घर में लेके फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे स्टीम ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टीम ज़्यादा बेहतर अच्छा लगता है। फ्राई में तेल इस्तेमाल होता है, इसमें किसी किसी में तेल नहीं इस्तेमाल होता है। क्या होता है फ्राई में? फ्राई में तेल इस्तेमाल होता है। हाँ, इसमें तेल नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक, ये हर किस्म के मरीज़ भी खा सकते हैं। सही सही। नहीं जी, चलिए ट्राई करते हैं। पहले तो सिंपली इसको, काफ़ी गर्म है।
इसकी मेन सॉस है वो यूजली सोया सॉस होती है, और उसके साथ जो इसका फ्लेवर बनता है Now this is the beef one. और इसको ट्राई करते हैं सोया सॉस के साथ. भाई उसे पूछे किस तरह इतने दफ़ा खाया उन्होंने. अच्छा भाई जान कैसा लगा आपको? बेहतरीन है. पहली दफ़ा खाया आपने? ये पहली दफ़ा खाया, बट रिव्यू उसके अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं. फर्स्ट टाइम ट्राई किया बट अच्छे हैं. अच्छे हैं, यानी एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा आपका. तो जनाब मोमोज मैंने खा ली हैं और अब बारी है मोमोज के फीडबैक की. तो सबसे पहले तो बात करेंगे चिकन मोमोज की. चिकन मोमोज वर वंडरफुल, वो अच्छी थी उनके टेस्ट के साथ. मैं सिर्फ एक सजेशन मेरा ये है, चलें मैं सजेशन एट द एंड पे देता हूँ. चिकन मोमोज अच्छे थे, जो बीफ मोमोज थे उनमें थोड़ा सा ज़रा मुझे कसर लग रही थी बीफ की, पकने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रा अच्छी तरह से कुक नहीं हुए हुए थे या कुछ इस तरह की चीज़ थी. लेकिन चिकन मोमोज बेहतरीन थे. अच्छा उसमें जो एक मैं सजेशन की जो बात कर रहा था वो ये है, चलें ठीक है जजाकल्ला जी. हाँ जी जी ठीक है. तो जो उसकी सजेशन की भी जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि जो इनकी जो सॉसेज हैं, सॉसेज में जो सोया सॉस के साथ जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, अगर आप ग्रीन कोरिएंडर या थोड़ा सा इसमें अगर आप चिलीज़ ऐड कर लें या कोई एक एक्स्ट्रा सॉस उसके अंदर ज़रा थोड़ा सा मिक्स करके, तो उसमें ज़रा फ्लेवर एक इन्हांस हो जाता है. तो ये एक सजेशन थी कि अगर सॉसेस ऐड कर लें तो ज़रा एक अच्छी चीज़ क्रिएट हो सकती है. जो इसकी लोकेशन है वो बरकत मार्केट में, अगर आप बरकत मार्केट एंटर होते हैं तो राइट एग्जैक्टली क्विक चेक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक छोटा सा कार्ट लगा हुआ है, वहाँ पे ये गुल मोहम्मद साहब बैठे हैं. तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी. काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.